नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कमल छेत्री। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। नमस्कार सर, मूनवॉक मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपकी मूनवॉक मीडिया बहुत सारे तरक्की करे, हमारी ओर से बहुत सारे बधाई। सर, आपको कलाश्री विनोद खन्ना जी कहा जाता है, ये कलाश्री के बारे में थोड़ा बताइए, उपाधि आपको कब और कैसे मिला? हाँ जी, 2014 साल में हमें पंजाब कला साहित्य एकेडमी की ओर से एक कलाश्री सम्मान नवाजा गया है। मुझे नहीं, मैं समझता हूँ लोक कला लोक संस्कृति को नवाजा गया और साथ में गोरखा लोक संस्कृति के लिए मुझे कलाश्री अवार्ड। आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू की थी? हाँ जी, मैं विश्वनाथ जिला अंतर्गत बिहारी के बटियामारी ग्राम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर मेरा जन्म हुआ 1963 अगस्त शुक्रवार के दिन। मेरा पिताजी का नाम है स्वर्गीय प्रजापति खनाल, माताजी वृंदा देवी खनाल। इनके घर पर मेरा जन्म हुआ यहाँ बटियामारी में। और जब हम छोटे थे तब से ही मुझे शौक था गाना बजाना, नाचना और नाटक करना। प्राइमरी स्कूल पढ़ते ही, जब तीसरी कक्षा में पढ़ते थे हम, तभी एक नाटक हमने किया था माँ दुर्गार हड़ताल, जिसे विश्व प्रसिद्ध कलाकार हमारे आसाम के होनहार कलाकार, उन्होंने इसे लिखा था और इसे मुझे मिला था, इस नाटक को माँ दुर्गार हड़ताल इसे मिला था अमर प्रतिनिधि जो डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के एडिटर डॉक्टर भूपेन हजारिका जी थे। तो उसी दौर से मेरा जो ये कला का यात्रा है वो रुका ही नहीं, अब तक उसी में लगे रहे हैं। सर, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कितने तक पढ़ाई की है आपने? हाँ जी, ऐसे तो मैट्रिकुलेशन हमने किया ही, तो उसके बाद में HS तक किया और हिंदी में मैंने विशारद की है। हाँ जी, तो आप टीचर की भी नौकरी कर चुके थे पहले? हाँ जी, पहले मैं कोकराझार में था करीब 8-9 साल तक, तो वहाँ मेरे बड़े भैया रहते हैं, इसी बहाने वहाँ पर गया। जाने के बाद में वहाँ एक स्कूल ME स्कूल में मैंने 7 महीना तक पढ़ाया था। मैंने सुना है कि आप आसाम आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। 1979-80 में यहाँ पर आंदोलन हुआ था, एक बहुत बड़ा आंदोलन, तो उसी वक्त मैं थिएटर में गया हुआ था। जब थिएटर से बैक करके जब पूरा आसाम में ही आंदोलन होना जो शुरू हो गया, तो मैं घर पर रिटर्न होते वक्त मुझे पकड़ कर ले जाया गया और मंगलदोई जेल में 31 दिन तक वहीं पर थे हम। सर, ये मतलब आपके नाम पे एक गोरखा म्यूजियम भी है काजीरंगा में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर काजीरंगा में, वहाँ पर ऑर्किड उद्यान है। इस ऑर्किड उद्यान के अंदर में आसाम के जितने भी जाति जनजाति है सभी को लेकर एक संग्रहालय है। उसमें गोरखा संग्रहालय जो है वो कलाश्री विनोद खनाल गोरखा लोक सांस्कृतिक संग्रहालय के नाम से गए 2017 सन के 2 अक्टूबर में, 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन उसे ओपनिंग किया गया और अब तक विदेश के बहुत सारे पर्यटक आकर इसे अवलोकन किया है और सभी उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, बहुत अच्छा काम हुआ बोलकर। सर, नए प्रजन्म को जो कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें आप किस तरीके का एडवाइस देना चाहते हैं? बहुत को बहुत अच्छा, आगे बढ़कर आना चाहिए। सब जितने भी नया प्रजन्म के अपने युवा युवती हैं सभी लोग को आना चाहिए, क्योंकि
अपना भाषा साहित्य संस्कार और संस्कृति अगर हम लोग नहीं करते हैं तो एक दिन जाकर जाति विलुप्त हो जाएगी। इसीलिए अपने में रमना होगा, अपने में ही जमना होगा, बाहर के जो दिखावा होता है उसे त्याग कर आओ, एक साथ होकर जुट कर काम करते हैं, आप भी आओ हम भी आगे बढ़ते हैं और अपने जो लोक संस्कृति लोक परंपरा इसको सब लोग साथ होकर विश्वायन करेंगे। सर आप आसाम में बहुत पॉपुलर हो, खास करके गोरखा कम्युनिटी के बीच, क्या आप फ्यूचर में कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हो या आपकी कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की कोई ख्वाहिश कोई इच्छा है? जी नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कला और पॉलिटिक्स अलग अलग चीज है। पॉलिटिक्स अपने जगह पर है और कला अपनी जगह पर। एक नागरिक होने के नाते क्या होता है कि पॉलिटिक्स में कभी कभार आ ही जाते हैं लोग, लेकिन मैं नहीं आऊंगा इसीलिए क्योंकि मैं एक कलाकार हूं और लोक कला लोक संस्कृति लोक परंपरा में रहना है और मैं चाहता हूं इसी को लेकर जितने दिन इस धरा पर मैं रहूंगा जीवित रहूंगा तब तक अपनी भाषा साहित्य संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। और हाँ, और एक बात है, जितने भी स्कॉलर है जो पीएचडी करना चाहते हैं, जो लोग लोक साहित्य लोक परंपरा को लेकर अध्ययन वगैरह करना चाहते हैं उनको लेकर कुछ काम करना एक मेरा सपना है। सर ये बताइए कि आपके लाइफ में अभी कोई रिग्रेट होता है, जो कोई एम्बिशन जो आप फुलफिल नहीं कर पाए, या ऐसा कुछ आपकी ख्वाहिशें हैं अभी भी जो आप करना चाहते हो जो आप कर नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ? बहुत सारे हैं, करना तो बहुत चाहते थे। हम तो ऐसा चाहते हैं कि भारत में जितने जाति हैं जनजाति हैं जैसे अपने एक गणतांत्रिक प्रक्रिया से एक जो अपना सरकार हुआ करता है लोकसभा में, वैसे ही प्रत्येक जाति से अगर अपनी सरकार एक एक व्यक्ति को लेकर एक विशाल एक कलाकार का जमात बनाए और उस जाति में क्या क्या चाहिए, लोक संस्कृति लोक परंपरा आज लुप्त प्राय हो गया है। मैंने सोचा था न केवल गोरखा, जितने भी कम्युनिटी है अपने आसाम में सभी को लेकर एक विशाल वर्णाढ्य बर्मील एक संग्रहालय बनाए और उसमें सभी जाति के लोक संस्कार लोक परंपरा रीति रिवाज सब रख दें, तो जितने भी अपने युवा युवती जो स्कॉलर हैं जो पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं वो लोग आकर उसी में अध्ययन करेंगे, लेकिन उस काम के लिए बहुत बहुत पैसा चाहिए। इसके लिए हम छोटे से एक कलाकार हैं, हम तो कैसे कर पाते हैं। अगर कोई निकले और कहें आइए सर करेंगे हम लोग आगे बढ़े तो जरूर, अभी भी हिम्मत है हमारे पास और कर सकेंगे हम। सर आप आसाम में जनगोष्ठीय सांस्कृतिक ऐक्य मंच से भी जुड़े हो, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, जनगोष्ठीय सांस्कृतिक ऐक्य मंच असम गए 18 सन में इसका जन्म दिया गया। जन्म लग्न से अभी तक हम उस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हैं, तो हम लोग चाहते हैं जितने भी आसाम में जाति जनजाति हैं सभी को लेकर एक बहुत बड़ा बौर घर बनाएं, जिसके अंदर जाते ही लोग को कहीं जाना ना पड़े, वहीं पर सब कुछ मिल जाए, जैसे मिशिंग बोडो तिवा कार्बी और जितने भी जनगोष्ठी है अपनी, सब आहोम कोस कलिता राभा सुतिया गोरखा सब जनगोष्ठी के बारे में कोई जानना चाहते हैं अध्ययन करना चाहते हैं तो उसी बरघर में हो जाए। एक बहुत बड़ा सपना लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस उद्देश्य को हम लोग साकार करेंगे, ये अपना प्राण है। सर आपको प्रतिमा पांडे बरुआ अवार्ड से भी नवाजा गया है, इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो अवार्ड तो बहुत सारा अवार्ड मिला हुआ है, जैसे प्रतिमा पांडे अवार्ड मुझे 2018 में असम छात्र संघ
हदोखम सत्रकंथा के ओर से मुझे दिया गया आंसू के ओर से, और पद्मश्री ग्वालपोरिया लोकगीतर सम्राज्ञी प्रतिमा पांडे बोरुआ अवार्ड से नमाजा गया। मैं समझता हूँ ये अवार्ड जो है लोक संस्कृति लोक परंपरा में काम करने के लिए हमारे गोरखा लोक संस्कृति के लिए दिया गया है। मैं निमित्त मात्र हूँ, ये जो मुझे मिला बहुत सारे, कितने बताएं, कुछ ही देर में आप जरूर सभी को दिखाएंगे क्या क्या है, हमने क्या क्या पाया क्या क्या नहीं मिला। तो ये सब जो जितने भी अवार्ड है नया प्रजन्म के लिए अगर कोई प्रेरणा बने तो हमारे जो कष्ट है सार्थक हो जाएंगे। आपके इतने ढेरों सारे अवार्ड मिले हैं, इसके बारे में बताइए। आपको इंडिया के कोने कोने से आपको अवार्ड मिला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नॉट ओनली इंडिया, ये तो आंतर्जातिक क्षेत्र से मुझे मिला हुआ है बहुत सारे अवार्ड, अवार्ड वगैरह बहुत सारा मिला हुआ है। जैसे कुछ ही दिन आगे नेपाल ने हमें दिया है महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा स्मृति स्मारक सम्मान, वैसे ही मुझे कानपुर से मिला है कला साधक, वैसे ही असम नेपाली नाट्य सम्मेलन ने मुझे दिया है नाट्याचार्य और हरिभक्त कटवाल स्मृति स्मारक सम्मान, और शोभन श्री महोत्सव में मुझे नमाजा गया है मेजर दुर्गा मल्ल स्मृति स्मारक सम्मान। कुछ ही दिन आगे अपने नागालैंड में बुलाया गया था, वहाँ पर हाम्रो चिनारी उत्तर पूर्व भारत के ओर से अपने स्वतंत्रता सेनानी छविलाल बाबू स्मृति स्मारक सम्मान वहाँ के राज्यपाल ला गणेशन जी के करकमल से मुझे नमाजा गया है। ऐसे ही गोरखा पार्वत्य परिषद दार्जिलिंग ने मुझे गोरखा गौरव नमाजा, वैसे ही आगरा ने मुझे शब्द साधक, और मुंबई से मुझे दिया गया है तेजोमय समाज रत्न, और कलकत्ता से मुझे दिया गया है सारद सत सम्मान, और बहुत सारे। कुछ ही दिन आगे यहाँ पर अपने माजुली में मुझे दिया गया है लोको कला हौरव, और ग्रीन सोसाइटी ग्रीन आसियाना सोसाइटी के ओर से लोक कला शिरोमणि, और अंतर्राष्ट्रीय नेपाली सांस्कृतिक परिषद के ओर से कला शिरोमणि। ऐसे बहुत सारे उपाधि, कितने बताएं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो भी मुझे मिला हुआ अवार्ड है ये सब नया प्रजन्म के लिए है। आप लोग अगर इसे लेकर गौरव कर सको और इसे कुछ उपलब्धियां आपको हो जाए वही मेरा सार्थकता है। जैसे आम के पेड़ में आम फल लगता है, पेड़ नहीं खाता, वो तो सबके लिए हुआ करता है, वैसे गौ माता दूध देती है और सबका कल्याण होता है। वैसे जो हमें मिला उसे नया प्रजन्म को अवार्ड मिले, नया प्रजन्म के लिए उत्साह मिले, प्रेरणाएं मिले, वही हम चाहते हैं। ये बताइए कि आप अभिनय के अलावा आप राइटिंग भी करते हो? हाँ जी। और क्या क्या करते हो, गाने भी गाते हो? हाँ जी, मैं गीत वगैरह लिखता हूँ, ड्रामा लिखता हूँ, डांस ड्रामा लिखता हूँ, और साथ में लोक संस्कृति का विशाल संग्रहालय है अपना, जो जितने भी कला के क्षेत्र में जैसे ढोलक बजाना, तबला वगैरह बजाना, हारमोनियम बजाना, और खुद ही मैं गीत को सुर भी देता हूँ, संगीत भरता हूँ। सर आप एक फोक आर्टिस्ट हो, नाट्यकार भी हो, कलाकार भी हो, ड्रामा भी लिखते हो, आप तो एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हो। वो तो आपने जैसा देखा मुझे। तो आपका रुचि किस विषय में सबसे ज्यादा है? डांस एक्टिंग और नाटक लिखना, डांस ड्रामा लिखना, ये मेरा छोटे से ही, जब हम बच्चे थे तब से ही मेरा ये एक बहुत बड़ा, क्या बताएं, ख्वाब सपना था, और वो साकार भी हुआ कुछ लगता है हमें। जैसे मेरा नाटक एक है रगत को साइनो, एक है गरीब हुनो अभिशाप रहसा, एक है छोरी बुआरी, एक है बारूद, और ऐसे ही दूसरी एक संग्राम की प्रस्तुति, और एक है रित्तो बतल खाली बतल, और एक है
काला पान के टिक्का और एक है बोकाकु मुखमा कुबिंडो। सब सैम्बोलिक नाटक वगैरह हमने लिखा है, बहुत सारे अभी तक लगभग 22 नाटक मैंने लिखा। गीति नृत्य नाटिका है, जैसे एक है असमी असमियामी और एक लिखा है गोरखा लोक संस्कृति लोक परंपरा के लिए डल्ली को भी ये झील के लाइट दिए। इसमें विवाह जो संस्कार है उसके साथ साथ में फैमिली प्लानिंग उसको भी दिखाया गया है और साथ में एक थुंगा फूल को समाधि। इसमें कवि हरिभक्त कटवाल जी के जीवनचर्या को उनके विशाल व्यक्तित्व को इस गीति नृत्य नाटिका में दिखाया गया है। तो ऐसे गीत वगैरह भी बहुत सारे हैं, गीत हम गाते भी हैं, गीत लिखते भी हैं और उसे संगीत से भरते भी हैं। सर आप इतने अच्छे कलाकार हो, कभी आपने मुंबई में जाके स्ट्रगल करने के बारे में नहीं सोचा? जी नहीं, वो तो मौका ही नहीं मिला। जब से मैंने शुरुआत किया तब मोबाइल ट्रूप्स जो थिएटर होता है उस थिएटर में करीब 26 साल तक मैंने सेवा दिया, जिसमें मैं छोटे से एक वर्क बॉय जिसे कहा जाता है। सर कभी आपको मुंबई में हिंदी सीरियल्स या फिर हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो क्या आप वहां पे जाके काम करना चाहोगे? जरूर, क्यों नहीं, अगर कोई बुलाए तो जरूर जाएंगे और अभी भी इच्छा है। अभी इस उम्र में भी अगर कोई बुलाए और हमें बताए कि आपको ये अभिनय करना है, इसे एक्टिंग को आपके लिए है, तो जरूर करेंगे। ऐसे तो मैंने बहुत सारा एक्टिंग किया, आपको क्रिकेट विलेन सीरियस करेक्टर कॉमेडी करेक्टर सब, तो जैसा भी करेक्टर मुझे मिलेगा उसमें प्रयास करेंगे। जो नाटककार हो अथवा निर्देशक ने जो बताएंगे उसे हम पर्दे पर लाने के लिए कोशिश करेंगे। सर आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है तो हमें इस पे एक्टिव रहना चाहिए कि नहीं? कई बच्चे इसके बुरे प्रभाव से बिगड़ भी रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा सुझाव दीजिए, खासतौर से यूथ के लिए। यूथ के लिए यही बताना चाहते हैं, देखिए सब जगह पर नेगेटिव और पॉजिटिव हुआ करता है। सोशल मीडिया में भी दो चीज है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छाई को लेना चाहिए, जैसे एक हंस उसको अगर दूध के बीच में पानी देकर रख दें तो हंस जब पीता है उस दूध को ही लेता है, पानी को छोड़ देता है। वैसे ही नया प्रजन्म अभी बहुत टैलेंट है, आप लोग बहुत टैलेंट हो, वर्ल्ड के बातें जानते हो, विषयन के युग है, तो आपको ये करना है किस चीज को लेने से अपना संस्कार साहित्य जाति राष्ट्र सब बचते हैं, उसको आपको लेना है और जो भी नहीं चाहिए उस चीज को लाना ही नहीं है, उसे बंद कर देना चाहिए। और इसके लिए पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा दायित्व हुआ करता है, अभिभावक आपको भी करना है, अपना बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं है आपको देखना है। और नया प्रजन्म को यही आह्वान करते हैं, आइए हम एक साथ होकर अपने भाषा साहित्य संस्कार संस्कृति को विषायन करें। सर आप भागवत का पाठ भी करते हो? जी नहीं, मैं भागवत पाठ नहीं करता, लेकिन भागवत का जो परिचालना है, कैसे उसे आना है, कैसे बैठना है, कैसे पंडल होना चाहिए, कैसे मंच को कैसे सजाना है, कैसे झांकी वगैरह को प्रस्तुत करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, डांस वगैरह कैसा होना चाहिए, नृत्य होता है, भागवत के लिए दूसरा ही एक चीज है, बहुत बड़ी भक्ति के रस से भरे हुए एक सनातन संस्कृति के प्रतीक है भागवत। हमारे हिंदू संस्कार के प्राण है भागवत, इसीलिए उसमें जो भी कथाएं हैं उसको लेकर छोटे छोटे झांकी वगैरह और उसमें नृत्य वगैरह, जैसे करते करते ग्वाल बाल का नृत्य हो, गोपी का नृत्य हो और भगवान भोलेनाथ का तांडव नृत्य हो, ऐसे सब लीलाएं
हम सिखाते हैं, खुद भी करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। कला के प्रति रुचि कब से आया? आप जैसे पहले आपने सोचे थे कि आप कलाकार बनोगे या आपने सोचा था नौकरी करोगे पढ़ के, आपका इस तरफ कला के प्रति रुझान कब से हुआ आपका? देखिए, कला जो होता है ये तो भगवान की देन होता है, ऊपर वाला देना होता है तब कलाकार बन पाते हैं। नहीं तो देखिए, बहुत सारे बहुत पैसा वाले लोग होते हैं, उनके बच्चों तो सब बन जाते ना कला के, एक एक कलाकार, लेकिन बन नहीं पाते, ये गॉड गिफ्टेड होता है। सर, आप नए प्रजन्म के बारे में बताइए कि वो लोग अगर आर्टिस्ट एक्टिंग करना चाहते हैं या कला के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। जितने भी न्यू जनरेशन है, नया प्रजन्म को आना चाहिए और अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति, संस्कार, नाटक जितने भी हैं, सिनेमा वगैरह हो, सीरियल हो, सब में आना चाहिए। तब ना अपनी जो जाति है, जिस जाति में आप बिलोंग करते हैं, उसको विषायन करने के लिए और विश्व के मानव आपको जानेंगे। कलाकार को चाहने वाले, हमें चाहने वाले जो हैं, उनको हम बहुत बहुत नमन करते हैं। ऐसा सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में नेपाली टेलीफिल्म सबसे पहले आप ही ने बनाई थी, क्या ये बात सच है? प्लीज इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने 87, 88, 89 में खूब कोशिश करके एक परिवार नामक गोरखा फिल्म बनाई थी, वो बाद में नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट फिल्म बना और टेली फिल्म था, जो कि बहुत बहुत प्रचलित भी हुआ। तब के जमाने में ऐसे आपका जैसा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सारा सामान वगैरह मिलता ही नहीं था, सुपर वीएचएस कैमरा वगैरह हुआ करता था, तो मैं रखने में सफल नहीं बन पाया। तो उसकी जो अस्तित्व है अभी पेपर में, पेपर वगैरह में और स्टील फोटो वगैरह हमारे पास है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट की गोरखा की फर्स्ट फिल्म हुआ है। सर, फिर तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले फिल्म बनाने वाला नेपाली फिल्म मेकर तो आप ही हो। हाँ जी, हाँ जी, ये श्रेय मुझको दिया गया है तो उस टेली फिल्म के लिए, जिसका स्क्रिप्ट राइटर और गीत, लिरिक्स और साथ में एक्टिंग भी मैंने खुद ही नायक का भूमिका किरदार किया था। क्या टेलीफिल्म का डायरेक्शन आप ही ने किया था? जी, मैंने खुद ही किया था डायरेक्शन। ये बताइए, नेपाली थिएटर लालीगुरास में भी आपने काम किया था, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, लालीगुरास तो मैंने 1992 से लेकर 2006 तक किया, तो इसमें बहुत सारा कलाकार का जमाती था अपना, 150 करीब कलाकार हम लोग थे, जो अपने सेटिंग्स वगैरह के, म्यूजिक के, गायन क्षेत्र के, अभिनय के, नृत्य के, और ऐसे करके बहुत सारे एक यूनिट लेकर हमने सारा असम, नेपाल, भारत बहुत जगह पर प्रस्तुत किया लालीगुरास थिएटर। तो इसमें हमने पहला असमिया थिएटर 1980 में सुमन, उसके बाद में असमी 4 साल, भास्कर 4 साल, नटराज 2 साल, और फिर 1 साल अपना आराधना, ऐसे करके फिर करीब आठ साल तक लालीगुरास और ब्रह्मपुत्र थिएटर में 1 साल, थिएटर लालीगुरास बोल के और एक था उसमें 1 साल, ऐसे करके करीब 25-26 साल तक ग्राम्यमान जगत में मोबाइल थिएटर ट्रूप्स में हमने काम किया है। मोबाइल थिएटर ब्रह्मान में आपने एक्टिंग किया था? हाँ जी, एक्टिंग, डांस, और उसमें आपको निर्देशन और कोरियोग्राफर और लिरिक्स राइटर सब कुछ किया है। तो क्या ये लालीगुरास थिएटर फिलहाल बंद है? हाँ जी, और ब्राह्मण तो चलता है कभी कभी। हाँ जी, हाँ जी, कभी कभी नहीं, आसाम में बहुत सारे ब्राह्मण हैं। हाँ, हाँ। जो कि वर्ल्ड फेमस है। तो आपने जो किया था वो चल रहा है या बंद है अभी? क्या जो थिएटर आपने किया था ब्राह्मण पे? हाँ, वो सब चल रहा है अभी भी है ना थिएटर। हाँ, हाँ।
हैंगुल है, कोहिनूर है, आवाहन है, ऐसे करके बहुत सारे वृंदावन थिएटर है, ऐसे करके बहुत सारे थिएटर चल रहा है अभी भी। और इस आसाम में अभिनय कला को बहुत ढंग से किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आज आपसे इंटरव्यू करके अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी सपने हैं वो साकार हो और आप जो बेहद असमिस जाति अपना नेपाली गोरखा कम्युनिटी के लिए जो आप काम कर रहे हो और आगे हो और आपको इंटरनेशनली बाहर के भी लोग ज़्यादा जाने, जैसे कि अभी आप आसाम और नेपाल में ज़्यादा पॉपुलर हो, तो मैं चाहता हूँ कि कभी आप कोई मौका मिले तो कोई हिंदी सीरियल भी हो या कोई प्रोजेक्ट में आप काम करो ताकि लोग और आपको ग्लोबली और जाने। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत 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 धन्यवाद आपकी इस चैनल को हमारी ओर से और जितने भी आसाम के जितने भी लोग हैं उनके ओर से बहुत सारे बधाई। सारा विश्व में आपका नाम हो और आपका जो उद्देश्य है उसे सफल हो। आपका इस मीडिया को हम अंतस्करण से बहुत सारे धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।